हेलो दोस्तों, मैं रविकांत सैनी आपका एक बार फिर हमारे चैनल एग्जाम बड़ी में स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जल्दी ही आपके लिए दूसरा लेक्चर लेकर आऊंगा, तो आज मैं आपके लिए दूसरा लेक्चर लेकर हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे पार्ट 5, पार्ट 6 और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 5 और पार्ट 6। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने नए व्यूअर से कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को जरूर देख लें इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि जब तक आप पिछले वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक इस वीडियो को आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप पिछला वाला वीडियो जरूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो लोगों तक पहुँच सकें जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आर्टिकल 51 कैपिटल ए यानी फंडामेंटल ड्यूटीज तक पढ़ाया था, मौलिक कर्तव्य तक पढ़ाया था। अब मैं आज आपको पढ़ाऊंगा उसके आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 5 की। तो पार्ट 5 जो भाग 5 है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है यूनियन गवर्नमेंट संघ सरकार। तो यूनियन गवर्नमेंट संघ सरकार में जो पहला टॉपिक होता है वो प्रेसिडेंट होता है। क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 के अनुसार देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, विच शैल बी कॉल द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा। तो एक चीज यहां पर देख लीजिएगा कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट यानी देश का प्रमुख, वो प्रेसिडेंट होता है हमारे यहां पर। ओके, तो ऐसा सिस्टम हमने जो है ब्रिटेन के कॉन्सेप्ट से लिया है। ब्रिटेन का जो सिस्टम है वहां पर क्वीन जो होती है वह हेड ऑफ द नेशन संघ की मतलब देश की प्रमुख होती है, मुखिया होती है। वैसे ही हमारे यहां प्रेसिडेंट जो होता है, राष्ट्रपति, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो आर्टिकल 52 में कहा गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन कहलाएगा। ओके, अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 53 की। तो आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें निहित होगी? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ओके, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट संसदीय शासन प्रणाली को अडॉप्ट किया गया है, अपनाया गया है, इसलिए जो प्रेसिडेंट है उसके पास नाम मात्र की यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर होती है, कार्यकारी शक्तियां होती हैं, जबकि रियल एग्जीक्यूटिव पावर, वास्तविक कार्यकारी शक्तियां जो होती हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। लेकिन यह जरूर कहा जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रमुख है, हेड ऑफ द नेशन है, इसलिए। ओके, अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 54 की। तो आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 54 में द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी इसमें यह कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा, वो इलेक्टेड होगा। कैसा होगा? इलेक्टेड होगा। अब उनको इलेक्ट कौन करेगा, चुनाव कौन करेगा राष्ट्रपति का, यह भी इसमें बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो विधानसभाएं हैं राज्य की, जो विधानसभाएं हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स, कौन? इलेक्टेड मेंबर्स, निर्वाचित सदस्य,
उनके इलेक्टेड मेंबर निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पर याद रखिएगा कि इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और दूसरी चीज, स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल में जो अपर हाउस है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, तो विधान परिषद के मेंबर्स भी राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, इसके अलावा 70th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, 70th यानी 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह प्रोविजन किया गया है कि दिल्ली और पुदुचेरी, किसकी, दिल्ली और पुदुचेरी जो विधानसभाएं हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 55 की। तो आर्टिकल 55 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या दिया गया है, मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। कैसे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन होता है। ओके, अब यह सिस्टम है क्या, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में होता क्या है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वही कैंडिडेट चुनाव जीतता है जिसको टोटल वैलिड वोट का 50% से ज्यादा मत मिलता है, यानी जिसको 50% प्लस 1 वैलिड वोट मिल जाएंगे 50% से ज्यादा, वही कैंडिडेट विनर होता है। यानी जब तक किसी भी कैंडिडेट को 50% प्लस 1 वोट नहीं मिलता है, वो कोई भी कैंडिडेट हो, अगर किसी को 50% प्लस 1 वोट नहीं मिलते हैं टोटल वैलिड वोट का, तो वो चुनाव नहीं जीत सकता है। उसके लिए जरूरी है कि वो 50% प्लस 1 का जो कोटा है, इलेक्टोरल कोटा, ठीक है, निश्चित मतों का भाग वो जरूर प्राप्त करे। तो उसको प्राप्त, अगर कोई नहीं प्राप्त कर पाता है, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, जितने भी वोटर्स होते हैं, सबको एक बैलेट पेपर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सबको एक बैलेट पेपर दिया जाता है, और उस बैलेट पेपर पर कैंडिडेट्स जो होते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, उन सब के नाम होते हैं। तो जो वोटर्स होते हैं उनको प्रेफरेंस देनी पड़ती है कि कौन, मतलब जो है उनको, वो किस कैंडिडेट को पहले नंबर पर रखते हैं, दूसरे, तीसरे, तो इस तरीके से करना पड़ता है। और फिर जब फर्स्ट प्रेफरेंसेस के वोट के आधार पर, यानी जो पहली फर्स्ट पोजीशन के वोट के आधार पर अगर कोई नहीं जीत पाता है, तो उसकी सेकंड राउंड की, मतलब जो है, काउंटिंग होती है, और सेकंड राउंड की काउंटिंग में फिर वोटों का ट्रांसफर होता है। ठीक है, वोटों का ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से, इसीलिए इसको कहा गया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और फिर जब तक 50% प्लस 1 वोट कोई हासिल नहीं कर लेता है, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ओके, अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 56 की। तो आर्टिकल 56 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। क्या दिया गया, टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 ईयर होता है, 5 ईयर होता है, यानी 5 साल होता है। लेकिन जो 56 का क्लॉज सेकंड है वो कहता है कि कुछ कंडीशंस में राष्ट्रपति का पद वैकेंट भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, पहली चीज वो रिजाइन कर दे, अपना रिजिग्नेशन दे दे, इस्तीफा दे दे। किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है, इस्तीफा दे सकता है। दूसरी चीज, उसको उसकी डेथ हो, अगर मान लीजिए हो जाए, मृत्यु हो जाए अचानक, तो उसकी पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। तीसरी चीज कि अगर उसके इलेक्शन को, जो इलेक्शन हुआ है, चुनाव हुआ है, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाए, रद्द घोषित कर दिया जाए, तब उसकी पोस्ट खाली हो जाएगी। या फिर जो
प्रेसिडेंट बना, जो प्रेसिडेंट है अगर वो डिसक्वालीफाई अपनी क्वालिफिकेशन को फुलफिल ना कर रहा हो, जो क्वालिफिकेशन है उसको फुलफिल ना कर रहा हो, बाद में वो डिसक्वालीफाइड डिक्लेयर हो जाए तब उसकी पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। और साथ साथ अगर उसको दोनों हाउसेस के मेंबर्स के द्वारा, मतलब जो दोनों हाउसेस हैं अपर हाउस लोअर हाउस, उनके मेंबर्स के द्वारा अगर महाभियोग इम्पीचमेंट का प्रस्ताव पास कर दिया जाए, तो 56 के क्लॉज सेकंड में ही ये बात कही गई कि महाभियोग के आधार पर राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन जो प्रक्रिया दी गई है या जो ग्राउंड्स दिया गया है इम्पीचमेंट का, वो आर्टिकल 61 में है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। यानी महाभियोग के आधार पर भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो कुछ कंडीशंस में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। हाँ, एक चीज जरूर देखिएगा कि राष्ट्रपति का जो टेन्योर है, 5 साल का जो टेन्योर है, वो कंप्लीट होने से पहले ही उसके सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी का चुनाव कर लिया जाता है। अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तब ये सुविधा है कि भाई 6 मंथ तक उसका टेन्योर जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी उसका कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। और इस कंडीशन में जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है, वो प्रेसिडेंट के रूप में राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करेगा। ओके, यानी लेकिन विद इन 6 मंथ एक्सटेंडेड, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने बढ़ाया जा सकता है। उस 6 महीने की जो एक्सटेंडेड पीरियड है उसमें तो इलेक्शन हो ही जाना चाहिए। तो आर्टिकल 56 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद आर्टिकल 57 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी इसमें यह कहा गया है कि कोई भी पर्सन, भारत का कोई भी नागरिक जो है, वो जितनी बार चाहे, मतलब उतनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है। ये नहीं है कि केवल एक कोई लिमिट निर्धारित की गई है, कोई लिमिट नहीं। जैसे यूएसए में 2 टेन्योर फिक्स है कि प्रेसिडेंट जो है, ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति 2 बार के लिए प्रेसिडेंट हो सकता है, 2 से ज़्यादा बार के लिए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। लेकिन भारत में कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप चाहें तब तक बने रह सकते हैं, यानी जब तक आपके अंदर जान है तब तक आप जो है राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है भारत में, तो ये चीज़ भी देख लीजिएगा आप। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन क्या है, री इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 58 की। तो आर्टिकल 58 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता, क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के पद की योग्यता इसमें दी गई, योग्यताएं क्या क्या हैं, सबसे पहली ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज, ही शुड हैव अटेन द एज ऑफ 35 ईयर्स, कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी चीज, वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए। हाँ, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए। और चौथी चीज, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वैसे लाभ का पद क्या है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जनरली ये माना जाता है कि जो गवर्नमेंट पोस्ट होती हैं वो सब लाभ का पद हैं। ठीक है, तो लाभ का पद उनको माना जाता है। लेकिन यहां पर एक चीज देख लीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट है, यानी राष्ट्र उपराष्ट्रपति है, गवर्नर है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर है, या स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का, राज्य सरकार में किसी मंत्रिपरिषद का सदस्य है, तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ओके, लाभ का पद किसको माना जाएगा, गवर्नमेंट जॉब को। किसको, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी को लाभ का पद माना जाता है। ओके, तो ये चीज है। और अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट की 25% हिस्सेदारी हो, 25% पार्टनरशिप हो, तो उस कंपनी में भी अगर कोई पोस्ट होल्ड कर रखा है तो उसको भी लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। तो ये तो हो गई योग्यताएं और अयोग्यताओं की हमने बात कर ली कुछ। अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 59 की। तो आर्टिकल 59 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति के पद की शर्तें, कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या हैं, राष्ट्रपति के पद की शर्तें यह हैं कि भैया जो राष्ट्रपति है
उसकी सर्विस कंडीशन में ड्यूरिंग टेन्योर यानी सेवा शर्तों में सर्विस के दौरान कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार का कोई मतलब कमी नहीं की जाएगी, यानी जो उसको सैलरीज मिलती हैं अलाउंसेस मिलती हैं उसमें कमी नहीं होगी, उसको कर्टेल नहीं किया जाएगा, इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कम नहीं किया जा सकता, डिमिनिस नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ जो राष्ट्रपति होता है पदावधि के दौरान उसके अगेंस्ट उसके खिलाफ किसी भी कोर्ट से कोई अरेस्ट वारंट जारी नहीं हो सकता, गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं हो सकता, ना ही उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, यानी कोई आपराधिक कार्यवाही किसी कोर्ट में आरंभ नहीं की जा सकती है। हाँ, उसके निजी कृत्यों के लिए जो उसकी प्राइवेट एक्टिविटीज़ हैं पर्सनल एक्टिविटीज़ निजी कृत्यों के लिए उसके खिलाफ केस स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी 2 महीने पहले बिफोर 2 मंथ इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। कितने दिन पहले? बिफोर 2 मंथ, वो भी राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तभी उसके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स उसके पर्सनल एक्टिविटीज के लिए निजी कृत्यों के लिए आरंभ हो सकती है। तो ये कुछ शर्तें हैं राष्ट्रपति के पद की जो दी गई हैं आर्टिकल 59 में। अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 60 की। तो आर्टिकल 60 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 60 में ओथ एंड एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है। देखिए, प्रेसिडेंट भी अपना पद ग्रहण करने से पहले यानी ऑफिस में एंट्री करने से पहले अपने पद की शपथ लेता है। क्या लेता है? ओथ एंड एफर्मेशन। और शपथ कौन दिलाता है उसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। अगर उसकी पोस्ट वैकेंट हो, वो खाली हो, तो सीनियर मोस्ट जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वरिष्ठतम न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 59 की। तो आर्टिकल 59 में क्या दिया गया है? इसमें राष्ट्रपति के पद की शर्तें हैं, कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो कौन कौन सी कंडीशंस उसमें दी गई हैं? पहली चीज कि जो प्रेसिडेंट है उसकी सैलरीज अलाउंसेस में, वेतन भत्तों में ड्यूरिंग टेन्योर पदावधि के दौरान किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी, इसलिए उनको कर्टेल नहीं किया जाएगा। पहली चीज़ तो ये है, सर्विस कंडीशन में कोई कटौती नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, कोई उसमें जो है हानि नहीं की जाएगी। ओके, इसके अलावा देखिए, जो प्रेसिडेंट होता है उसके खिलाफ किसी भी ड्यूरिंग टेन्योर किसी भी कोर्ट से कोई भी अरेस्ट वारंट गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के खिलाफ किसी प्रकार की कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपराधिक कार्यवाही कोर्ट में किसी भी कोर्ट में आरंभ नहीं की जा सकती है। हाँ, उसकी पर्सनल एक्टिविटीज यानी निजी कृत्यों के लिए उसको बिफोर 2 मंथ 2 महीने पहले इन्फॉर्म करके यानी सूचित करके उसके खिलाफ सिविल केसेस हैं वो स्टार्ट किए जा सकते हैं, ये चीज जरूर है। तो इस तरीके से जो राष्ट्रपति का पद है उसकी कई शर्तें दी गई हैं, कई कंडीशंस हैं, ओके, आर्टिकल 59 में दी गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 60 की। तो आर्टिकल 60 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 60 में ओथ एंड एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख। आर्टिकल 60 में जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, ओथ एंड एफर्मेशन का प्रोविजन है, तो इसमें क्या कहा गया है कि बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस यानी अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति इन द फ्रंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की क्या लेगा? शपथ लेगा, ओथ लेगा। किसके सामने लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब्सेंट है तो उसकी अनुपस्थिति में सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 61 की। आर्टिकल 61 में क्या दिया गया है? इसमें राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें ग्राउंड्स ऑफ द इम्पीचमेंट यानी महाभियोग का आधार दिया गया है। और महाभियोग का आधार क्या दिया गया है?
वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण। अब संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण क्या है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसमें जो है महाभियोग की पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस भी दिया गया है, ग्राउंड भी दिया गया है। अब महाभियोग कैसे होता है, देखिए किसी भी हाउस के, दोनों हाउस से यानी लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी हाउस के 1/4 मेंबर, 1/4 सदस्य इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन, प्रस्ताव प्रपोज्ड कर सकते हैं, प्रस्तावित कर सकते हैं किसी भी हाउस में, ठीक है। तो प्रस्तावित करेंगे, लेकिन उसके लिए 14 डेज पहले 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को लिखित रूप में इन रिटन इंफॉर्मेशन देनी होगी, जिस पर 1/4 मेंबर्स के सिग्नेचर साइन भी होने चाहिए। ओके, आफ्टर 14 डेज फिर वो रेजोल्यूशन उस हाउस में आएगा जिस हाउस के मेंबर्स के द्वारा उसको प्रपोज्ड किया गया है, प्रस्तावित किया गया है। और अगर उस हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से यानी टोटल मेंबर्स की 2/3 मेजोरिटी से अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो वो दूसरे हाउस में जाएगा, और दूसरा हाउस जो है प्रेसिडेंट के ऊपर जो भी एलिगेशंस, आरोप लगाए गए हैं, उन एलिगेशंस की जांच कराएगा, क्या कराएगा, इंक्वायरी करवाएगा किसी एजेंसी से या फिर अपने मेंबर्स की कमेटी बना करके जो भी एलिगेशंस हैं उसके ऊपर उसकी इंक्वायरी करवाएगा। अगर इंक्वायरी में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट दोषी पाया जाता है, कन्विक्ट, एक्यूज्ड पाया जाता है, मतलब कन्विक्ट हो जाता है, तब जो है दूसरे हाउस में भी अगर 2/3 मेजोरिटी से, टोटल मेंबर्स की 2/3 मेजोरिटी से अगर प्रस्ताव पास हो जाता है इंपीचमेंट का, तब इंपीचमेंट का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो पूरी मानी जाएगी और प्रेसिडेंट को अपने पद से रिजाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। तो यह भी है। अब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव का समय आर्टिकल 62 में दिया गया है, यानी आर्टिकल 62 में बताया गया है कि अगर मान लीजिए पोस्ट वैकेंट हो जाए प्रेसिडेंट की तो कितने दिन में जो है राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो इसमें दिया गया है, देखिए हाँ, इसमें क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है, नेक्स्ट जो सक्सेसर होगा राष्ट्रपति का, उसका चुनाव प्रेसिडेंट के टेन्योर के दौरान ही कर लिया जाएगा, यानी 5 साल का जो टेन्योर है वो खत्म होने से पहले ही नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट कर लिया जाएगा। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता है तो 56 है उसका जो क्लॉज सी है, क्लॉज सी कहता है कि 6 मंथ तक उसका टेन्योर जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। कितने समय तक, 6 मंथ तक एक्सटेंड किया जा सकता है। हाँ, यह है कि विद इन 6 मंथ फिर इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के पहली चीज तो यह है कि पदावधि समाप्त होने से पहले, टेन्योर खत्म होने से पहले ही इलेक्शन हो जाना चाहिए, और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता है तो मैक्सिमम 6 मंथ तक उसके टेन्योर को एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, अब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव विवाद का निर्धारण, तो देखिए आर्टिकल 71 में क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन डिस्प्यूट होगा, जो चुनाव का विवाद होगा, उसको कौन सॉल्व करेगा, उसको कौन, उसकी सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, उच्चतम न्यायालय ही उसकी सुनवाई कर सकता है, बाकी हाई कोर्ट्स को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। ओके, अब आइए हम बात करेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, फंक्शंस एंड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां बहुत सारी हैं। आर्टिकल 53 में कहा गया है द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसके तहत उसको बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, जैसे आर्टिकल 74 के अनुसार, 74 के अनुसार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री की एडवाइस से उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद के मेंबर्स सदस्यों को भी अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है, ये उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। ओके, क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है। इसके अलावा क्या है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर, इसके अलावा ये एग्जीक्यूटिव पावर उसको दी गई है कि आर्टिकल 78 में क्या कहा गया, इसमें ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर का प्रोविजन है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात की गई। तो पहला क्लॉज इसका कहता है कि प्राइम मिनिस्टर
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, चाहे वो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी कोई निर्णय हो या फिर कोई लेजिस्लेटिव यानी कोई विधायी निर्णय हो, उन सब की इंफॉर्मेशन किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। आर्टिकल 72 का जो क्लॉज सेकंड है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री से सूचना इंफॉर्मेशन मांग भी सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कौन कौन से डिसीजन लिए हैं, ये भी उसको राइट है। ओके, तो ये उसको राइट है। इसके अलावा देखिए बहुत सारी पावर्स उसको मिली हुई हैं, जैसे आर्टिकल 76 के अनुसार वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है, जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। ओके, और भारत सरकार की तरफ से न्यायालयों में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में सरकार का स्टैंड फेवर करता है। ओके, तो ये आर्टिकल 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करने का प्रावधान भी उसको दिया गया है। साथ ही साथ आर्टिकल 148 संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार उसको सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उसको नियुक्त करने की शक्ति भी उसको दी गई है। इसी तरीके से वो और भी, जैसे आर्टिकल 338 के अनुसार एससी कमीशन यानी अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करता है। इसी तरीके से आर्टिकल 338 कैपिटल ए के अनुसार वो एसटी कमीशन, अनुसूचित जाति जनजाति के अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करता है, तो ये भी उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। इसके अलावा वो गवर्नर्स को अपॉइंट करता है। किसको अपॉइंट करता है? गवर्नर्स को, राज्यपालों को नियुक्त करता है, जो सेंट यूनियन टेरिटरीज के केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको अपॉइंट करता है, प्रशासकों को भी वही अपॉइंट करता है। किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर करने की शक्ति भी राष्ट्रपति को है। ओके, और साथ ही साथ जो है विधायी पावर में, तो ये सब एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं राष्ट्रपति की। ओके, तो बहुत सारी उसको एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई हैं क्योंकि वो हेड ऑफ द नेशन है, तो इस वजह से। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होंगी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती हैं। ओके, तो हमने बात की अभी तक राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों की। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की, लेजिस्लेटिव पावर्स की। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि भारत की जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो प्रेसिडेंट, लोक राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस, इन तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, और इसीलिए राष्ट्रपति को संसद के संबंध में बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी शक्तियाँ उसको प्राप्त हैं। जैसे राष्ट्रपति को आर्टिकल 86 के तहत संसद के दोनों सदनों के जो मेंबर्स हैं उनको संदेश, मैसेजेस भेजने की पावर दी गई, संदेश देने की शक्ति दी गई। साथ ही साथ उनको संसद के दोनों सदनों में अलग अलग या जॉइंटली एड्रेस करने की शक्ति दी गई है, और 87 में स्पेशल एड्रेस, विशेष अभिभाषण की शक्ति दी गई है। आइए अब बात करते हैं आर्टिकल 85 की। आर्टिकल 85 में प्रेसिडेंट को सत्रावाहन, सत्रावसान और लोकसभा के विघटन का अधिकार दिया गया है, यानी आर्टिकल 85 के तहत प्रेसिडेंट जो है संसद के सेशंस को समन करता है, बुलाता है, सत्रावसान समाप्त करता है, प्रोरोगेशन करता है और लोकसभा को डिजॉल्व करता है। ओके, तो ये पावर आर्टिकल 85 में दी गई है। दो सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ये भी इसमें दिया गया है। आर्टिकल 331 के तहत प्रेसिडेंट लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के सदस्यों को नॉमिनेट करता है। ओके, और इसी तरीके से आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा में वो 12 व्यक्तियों का मनोनयन करता है, कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा आदि के क्षेत्रों से, आर्ट कल्चर लिटरेचर साइंस सोशल सर्विस इन सब क्षेत्रों से। आर्टिकल 108 के तहत जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसको निपटाने के लिए, उसका निर्धारण करने के लिए आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट
पार्लियामेंट संयुक्त बैठक बुलाता है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है दोनों हाउसेस की, और जिसका चेयरमैन स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है। इसी तरीके से आर्टिकल 123 की अगर बात करें तो आर्टिकल 123 के तहत उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। जब संसद के दोनों सेशन, संसद के दोनों सदन यानी दोनों हाउसेस ना चल रहे हों या एक हाउस ना चल रहा हो, एक हाउस चल रहा हो, तो उस समय जो है आर्टिकल 123 के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश एक टेम्पोररी लॉ की तरह, अस्थायी कानून की तरह होता है। इसका मिनिमम पीरियड होता है 6 वीक और मैक्सिमम होता है 6 मंथ, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आर्टिकल 111 के तहत विधेयकों पर सहमति, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द बिल्स का प्रोविजन किया गया है, और इसमें कहा गया है कि जैसे ही बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति जितनी जल्दी हो सकेगा उस पर हस्ताक्षर करके उसको वापस कर देगा। हाँ, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, बिल पर अपनी सहमति को रोक कर रख सकता है, यह भी प्रावधान है। इसके तहत उसको 3 वीटो पावर दी गई है, अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, निलंबनकारी सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। अत्यंतिक वीटो के तहत वो बिल पर सहमति को रोकता है, निलंबनकारी वीटो के तहत रिकंसिडरेशन पुनर्विचार के लिए भेजता है, और पॉकेट वीटो के तहत वो बिल पर मौन हो जाता है। आइए बात करते हैं वित्तीय शक्तियों की। तो वित्तीय शक्तियां फाइनेंशियल पावर क्या है राष्ट्रपति की? आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करता है संसद के पार्लियामेंट के पटल पर, संसद में ये उसको पावर दी गई आर्टिकल 112 के तहत। हाँ, वो फाइनेंस मिनिस्टर उसके विहार पर करता है, लेकिन उसके नाम से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। साथ ही साथ आर्टिकल 110 के तहत जो धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है, उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले उसकी प्रायर रिकमेंडेशंस पूरा अनुमति लेनी पड़ती है। इसी तरीके से किसी भी प्रकार की ऐड की, अनुदान की जो मांग है, डिमांड है, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही यानी उसकी प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही संसद में प्रस्तुत की जा सकती है। और इसी तरीके से आर्टिकल 267 में आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड का प्रोविजन किया गया है। तो कंटिजेंसी फंड से धन निकालने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, प्रायर रिकमेंडेशंस की जरूरत होती है। तो ये उसकी वित्तीय शक्तियां हैं। अब आइए बात करते हैं न्यायिक शक्तियों, जुडिशियल पावर की। तो जुडिशियल पावर कौन-कौन सी हैं? प्रेसिडेंट जो होता है भारत का, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। साथ ही साथ आर्टिकल 72 में उसको क्षमादान करने की शक्ति दी गई है। क्या शक्ति दी गई है? क्षमादान करने की शक्ति दी गई है। ओके, वो सजा को कम कर सकता है, सजा की नेचर को बदल सकता है, सजा को विदहोल्ड कर सकता है यानी पनिशमेंट को रोक सकता है। ठीक है, तो ये शक्तियां उसको आर्टिकल 72 के तहत दी गई हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 143 के तहत उसको सलाह कार्य क्षेत्र अधिकार यानी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है। मतलब यह है कि राष्ट्रपति किसी पब्लिक मैटर पे, सार्वजनिक मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एडवाइस मांग सकता है। एडवाइस देने के लिए वो बाध्य नहीं है और ये मानने के लिए बाध्य नहीं, यानी दोनों बाउंडेड नहीं है। तो ये है उसकी जुडिशियल पावर्स। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ और शक्तियों की राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर्स की बात करते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 53 का जो सेक्शन 2 है, उसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ओके, और युद्ध आरंभ की घोषणा और समाप्ति की घोषणा जो होती है, यानी जो स्टार्टिंग होती है वॉर की, आरंभ की घोषणा, स्टार्टिंग की और समाप्ति की घोषणा जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। यानी उसके हस्ताक्षर के, सिग्नेचर के आधार पर वॉर भी शुरू होती है और वार समाप्त भी होती है, यानी संधि वगैरह भी वही करता है, ट्रीटीज वगैरह भी उसी के नाम से होती हैं। तो ये सैन्य शक्तियाँ हैं उसकी। अब आइए बात करते हैं कूटनीतिक शक्तियाँ, डिप्लोमेटिक शक्ति की। तो कूटनीतिक शक्ति क्या है? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर या अदर कंट्रीज के साथ जो भी ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स यानी समझौते, संधियां होते हैं, सब वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और राष्ट्रपति जो है भारत के राजदूतों को, डेलीगेट्स को अलग दूसरी कंट्रीज में अपॉइंट करता है और भेजता है यानी सेंड करता है, और दूसरे कंट्रीज के जो डेलीगेट्स होते हैं उनको रिसीव करता है, यानी उनके अपॉइंटमेंट का रेटिफिकेशन, अनुमोदन करता है। ये इसकी कूटनीतिक शक्तियाँ हैं। अब आइए बात करते हैं आपातकालीन शक्तियों की, इमरजेंसी पावर की। तो राष्ट्रपति की तीन इमरजेंसी पावर हैं। पहली है आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की। नेशनल इमरजेंसी दो तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल, बाह्य आपातकाल और आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल। बाह्य आपातकाल वार या
बाह्य आक्रमण के आधार पर, यानी युद्ध या बाह्य आक्रमण, वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर, और इंटरनल जो नेशनल इमरजेंसी होती है या आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल, वो होती है आर्म्ड रेबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अब तक तीन बार लग चुकी है, पहली बार 1962 में इंडो चाइना वार के समय, दूसरी बार इंडो पाकिस्तान वार के समय 1971 में, और तीसरी बार इंटरनल डिस्टर्बेंस आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में 1975 में लागू की गई थी। ओके, अब आइए बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। देखिए आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल का प्रोविजन है, जब किसी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रोविजंस के अनुसार नहीं चलता है तब राज्यपाल गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, रिकमेंडेशन करता है। उसकी रिकमेंडेशंस के आधार पर अंडर आर्टिकल 356 राष्ट्रपति क्या करता है, घोषणा करता है किसकी, राष्ट्रपति शासन की, प्रेसिडेंट रूल की। प्रेसिडेंट रूल जब लागू होता है तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं यानी विधायी और कार्यकारी शक्तियां, वो केंद्र के पास, सेंटर के पास चली जाती हैं। आइए बात करते हैं, ये कई बार लग चुका है अब तक, अगर बात करें तो 125-26 बार इसको लागू किया जा चुका है, सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश में 10 बार इसको लागू किया गया है। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल की अगर बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में इसका प्रोविजन है, ये अब तक एक बार भी लागू नहीं की गई है। तो ये हो गई राष्ट्रपति की शक्तियां, हमने राष्ट्रपति के बारे में बात कर ली। हाँ, एक चीज देख लीजिएगा कि जो प्रेसिडेंट होता है उसके जो इम्पीचमेंट में, महाभियोग में, लोकसभा राज्यसभा के केवल सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, नामांकित और चुने हुए सब पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, जबकि चुनाव में केवल इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा कि इस एक्ट में राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो होता है उसके लिए 50 प्रपोजल्स और 50 सेकेंडर्स यानी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो हमने राष्ट्रपति की बात की, अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो आर्टिकल 63 में ये प्रोविजन किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 63 देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी राज्यसभा का सभापतित्व वो करेगा, यही उसका मेन काम है। अब देखिए आर्टिकल 65 में देखिए उसको एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करने की शक्ति दी गई है कुछ कंडीशंस में, जैसे प्रेसिडेंट की अब्सेंस की उपस्थिति में, यानी अब्सेंस के समय, अनुपस्थिति के समय वो करेगा, अगर उसकी डेथ हो जाए तब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे तब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, अगर उसके ऊपर महाभियोग लगाकर उसको हटा दिया जाए इंपीचमेंट के द्वारा तब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। ओके, तो आर्टिकल 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब वो काम करेगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, वो कंडीशंस दी गई हैं। फिर आर्टिकल 66 में ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो इसी में योग्यता के बारे में भी दिया गया है और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे उसके इलेक्शंस में ये भी दिया गया है। तो आर्टिकल 66 के अनुसार राष्ट्रपति के इलेक्शंस में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, यानी नामांकित और निर्वाचित सभी सदस्य भाग लेते हैं राज्यसभा और लोकसभा के। ओके, अब आइए बात करते हैं आर्टिकल इसमें और क्या योग्यता क्या दी गई, योग्यता भी इसमें दी गई है। वाइस प्रेसिडेंट की योग्यता क्या होती है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरी ही शुड हैव अटेंड द एज ऑफ 35 ईयर्स, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, तीसरी वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, ही इज एलिजिबल टू इलेक्ट एज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, ये उसकी योग्यता है, और ही शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वह किसी लाभ के पद पर नहीं, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद क्या है राष्ट्रपति के बारे में हम बता चुके हैं जब राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे, तो उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब आइए बात करते हैं उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, तो आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल यानी टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट दिया गया है, तो उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल होता है 5 ईयर्स, जनरली 5 ईयर्स होता है। ठीक है, इसको भी मतलब जो है ये भी 5 साल से पहले रिजाइन भी कर सकता है, अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, और जो है इसको राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से, टोटल मेंबर्स की मेजोरिटी से पास रेजोल्यूशन के आधार पर हटाया भी जा सकता है जिसमें लोकसभा की सहमति होनी चाहिए, तो कुछ कंडीशन में 5 साल से कम भी हो जाता है, अगर डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाए, इसको अयोग्य घोषित कर दिया जाए, या फिर इसके
इलेक्शन को डिस्प्यूटेड डिक्लेयर कर दिया जाए, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाए, तो इसका कार्यकाल 5 से कम हो जाएगा, अदरवाइज जनरली 5 ईयर्स होता है इसका कार्यकाल। अब आइए आर्टिकल 69 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। ओके, तो उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, आर्टिकल 69 के अनुसार वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के सम्मुख, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सम्मुख अपने पद की शपथ, ओथ एंड अफर्मेशन लेता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, अब देखिए उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आर्टिकल 68 में दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति का पद वैकेंट हो, खाली हो, तो कितने समय में इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो इसमें दिया गया है कि विद इन 6 मंथ उसका इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो ये प्रोविजन किए गए हैं। कुछ चीज़ें और देख लीजिएगा। उपराष्ट्रपति जो होता है यानी वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है। ओके, और उसके इलेक्शंस में जो वोटर्स होते हैं, इलेक्टोरल लिस्ट होती है, उसमें से 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, 20 प्रपोजर्स और 20 सेकेंडर्स होने चाहिए। तो उपराष्ट्रपति का मेन काम जो है वो राज्यसभा का सभापतित्व करना है, चेयरमैनशिप ऑफ द राज्यसभा है। तो हमने अब उपराष्ट्रपति की बात की। तो दोस्तों, अभी तक हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा है। अब आइए हम लोग गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट के बाद राज्यपाल के बारे में पढ़ना बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, ताकि चीज़ें रिलेट हो जाती हैं एक दूसरे से। और प्रेसिडेंट के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद राज्यपाल के बारे में बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसलिए आइए अब हम गवर्नर की बात करेंगे। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 में गवर्नर्स ऑफ स्टेट राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। यानी इसमें यह प्रावधान किया गया है कि देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच एंड एवरी स्टेट, मतलब प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये बात आर्टिकल 153 में कही गई है, लेकिन 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये प्रोविजन प्रावधान किया गया है कि एक ही पर्सन को 2 or more states, दो या दो से अधिक राज्यों का गवर्नर राज्यपाल अपॉइंट किया जा सकता है, और उनकी सैलरीज अलाउंसेस, उस पर्सन की सैलरी अलाउंसेस जो होगी वो उस परसेंटेज में, उस अनुपात में होगी जो प्रेसिडेंट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। तो यानी कि मतलब राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स का प्रोविजन आर्टिकल 153 में किया गया है। फिर आइए बात करते हैं आर्टिकल 154 की। आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नहीं थी, जैसे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थी, सेम उसी तरीके से द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। तो राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? आर्टिकल 154 के अनुसार राज्यपाल में निहित है। इसी तरीके से आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, देखिए राज्यपाल का इलेक्शन नहीं होता है। ओके, तो इस वजह से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यपाल की, गवर्नर्स की नियुक्ति करता है, अपॉइंटमेंट करता है। अब चूंकि इनका अपॉइंटमेंट होता है, इलेक्शन नहीं होता है, तो यहाँ मेथड ऑफ इलेक्शन का प्रोविजन है ही नहीं, इसीलिए डायरेक्ट इसके बाद तुरंत क्या जाता है? टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। तो टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर क्या है? आर्टिकल 156 में दिया गया है 5 ईयर्स है। हाँ, ये जरूर है कि 5 ईयर के दौरान उसको कितने भी स्टेट्स का, एक पर्सन को कितने भी स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है, यानी उनका ट्रांसफर होता रह सकता है, लेकिन उनका टेन्योर जो होता है वो जनरली 5 ईयर होता है। हाँ, 5 ईयर से पहले भी उसको प्रेसिडेंट हटा सकता है, वैसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उसको हटाया नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये बात भी आई है। आइए बात करते हैं 156 की, हमने बात कर ली राज्यपाल के कार्यकाल की। फिर आर्टिकल 157 में राज्यपाल के पद की योग्यता दी गई है, क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। तो राज्यपाल के पद की योग्यता देखिए क्या है, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड हैव अटेंड द एज ऑफ 35 ईयर्स, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही साथ वह विधानसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए, ही इज एलिजिबल टू
elect as the member of legislative assembly, तो राज्यपाल राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए उसको, और he should not hold any office of profit, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, जैसे गवर्नर जैसे प्रेसिडेंट के बारे में सेम वैसे ही, ओके तो ये सारी चीजें लगभग वैसी ही हैं, ज्यादा बहुत डिफरेंस नहीं है और गवर्नर और प्रेसिडेंट के उसमें। अब आइए राज्यपाल के पद की शर्तों की बात करें, तो ये दी गई है आर्टिकल 158 में। आर्टिकल 158 में क्या दिया गया है, कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर, सेम कंडीशंस हैं कि जैसे सैलरीज अलाउंसेस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कम नहीं किया जा सकता, डिमिनिश नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है, इसी तरीके से कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी, आपराधिक कार्यवाही किसी भी कोर्ट में इनके खिलाफ ड्यूरिंग टेन्योर पदावधि के दौरान, साथ ही साथ राज्यपाल जो है उसके खिलाफ कोई भी अरेस्ट वारंट जारी नहीं हो सकता, ओके कोई भी अरेस्ट वारंट जारी नहीं हो सकता, अगर उसने कोई पर्सनल एक्टिविटी की हो तो उसके लिए उसको उसके खिलाफ केस शुरू किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसको 2 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जैसे राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वैसे ही है। अब राज्यपाल के पद एवं शपथ एवं प्रतिज्ञान, राज्यपाल के पद की शपथ एवं प्रतिज्ञान, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट, आर्टिकल 159 में राष्ट्रपति उप राज्यपाल के पद की शर्तें दी, वो शपथ का उल्लेख है। शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, पर्टिकुलर स्टेट का जो चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश होता है उच्च न्यायालय का, वो इसको ओथ दिलाता है, किसको, राज्यपाल को। अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, बट ओथ प्रेसिडेंट नहीं दिलाता है, ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, मतलब उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ओके अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ओथ दिलाएगा। फिर आर्टिकल 161 की अगर बात करते हैं, तो 161 में राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति दी गई है, यानी आर्टिकल 161 जैसे आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को क्षमादान करने की शक्ति दी गई है, पावर ऑफ पार्डनिंग, पावर ऑफ पार्डनिंग क्षमादान करने की शक्ति, तो वैसे ही राज्यपाल को भी गवर्नर को भी पावर ऑफ पार्डनिंग दी गई। लेकिन एक चीज यहां पे देख लीजिएगा, प्रेसिडेंट जो है वो डेथ पेनल्टी को माफ कर सकता है, यानी मृत्यु दंड की सजा को माफ कर सकता है, लेकिन गवर्नर डेथ पेनल्टी मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है, यह बात ध्यान में रखिएगा। इसी तरह आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, इसका प्रोविजन आर्टिकल 162 में किया है, तो राज्यपाल को ही अधिकार है ये करने का, ओके तो ये राज्यपाल के बारे में कुछ प्रोविजन है। इसके बाद हम उसकी शक्तियों के बारे में बात करेंगे कि उसकी पावर्स क्या क्या हैं। तो आइए अब दोस्तों बात करते हैं उसकी पावर्स की। देखिए गवर्नर यानी राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, पावर्स हैं, उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा, 4 प्रकार की होती हैं, 4 कैटेगरीज हैं उनकी। पहली है कार्यकारी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरी है विधायी शक्ति लेजिस्लेटिव पावर, तीसरी है वित्तीय शक्तियां फाइनेंशियल पावर्स, और चौथी है न्यायिक शक्तियां जुडिशियल पावर्स। तो आइए बात करते हैं कार्यकारी शक्तियों की। तो जैसे आर्टिकल 53 में कहा गया है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, सेम वैसे ही आर्टिकल 154 में भी कहा गया है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्य सरकार की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी। तो इसके तहत क्या होता है, तो जैसे देखिए संविधान के आर्टिकल 164, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कार्यकारी शक्तियों की, विधायी शक्तियों की। तो देखिए आर्टिकल 164 जो है उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड विद द एडवाइज ऑफ द चीफ मिनिस्टर He appoints members of his council of minister, यानी संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की और मुख्यमंत्री की एडवाइस से सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। जैसे राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स को अपॉइंट करता है, सेम वैसे ही। इसी तरीके से आर्टिकल 165 की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 165 में राज्यपाल के द्वारा राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, किसकी नियुक्ति का प्रावधान है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल बाय द गवर्नर,
एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बाय द गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्य में जो एडवोकेट जनरल वैसे ही है जैसे यूनियन में सेंटर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार का स्टेट रखता है कोर्ट्स में, यानी उसका विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी फर्स्ट लॉ में लॉ ऑफिसर होता है, सेम वैसे ही एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या लॉ ऑफिसर होता है। ओके, तो आर्टिकल 165 में उसकी नियुक्ति का प्रावधान है। इसी तरीके से और भी कई चीज राज्य के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट करता है, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करता है, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है, तो ये भी काम उसका है। और स्टेट्स में जो तमाम कमीशंस होते हैं उनके चेयरमैन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट नियुक्ति भी वो करता है। ओके, तो ये सारी उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, कार्यकारी शक्तियां हैं, सेम लगभग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिलती जुलती, जैसे प्रेसिडेंट को वहाँ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संबंध में पावर दी गई है, सेम वैसे ही इसको कार्यकारी इसको स्टेट्स के संबंध में एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई हैं। ओके, अब आइए बात करते हैं विधायी शक्तियों की। तो जैसे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी केंद्रीय विधायिका का, उसी तरीके से जो राज्यपाल होता है वो भी स्टेट लेजिस्लेचर का इंटीग्रल पार्ट होता है, क्योंकि इसके द्वारा जब तक स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए बिल पर इसके हस्ताक्षर नहीं हो जाते, सिग्नेचर नहीं हो जाते, तब तक वो कानून नहीं बनता है। तो एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा, तो इसीलिए ये भी इंटीग्रल पार्ट है। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 174 में, जैसे 85 में प्रेसिडेंट के द्वारा संसद के सत्रों के आवाहन, सत्रावसान और लोकसभा के विघटन का प्रावधान है, उसी तरीके से यहां पर भी आर्टिकल 174 में स्टेट लेजिस्लेचर के सेशन का समन यानी सत्रावाहन, प्रोरोगेशन, सत्रावसान और विधानसभा के विघटन डिसॉल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रावधान भी आर्टिकल 174 में किया गया है। ओके, जैसे वहां पर प्रेसिडेंट को यह पावर दी गई है कि वो इस पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को एड्रेस कर सकता है, मैसेज भेज सकता है, तो उसी तरीके से आर्टिकल 175 में गवर्नर को भी स्टेट लेजिस्लेचर अगर दो हाउसेस और दोनों हाउसेस में मैसेज सेंड करने की और जो है एड्रेस करने की पावर है, ज़्यादातर जगहों पे एक ही हाउस है, विधानसभा ही है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वहाँ पर एड्रेस करने की उसको पावर है। और जैसे उसको स्पेशल एड्रेस की पावर दी गई है, वैसे ही आर्टिकल 176 में अनुच्छेद 176 में उसको किसको गवर्नर को भी स्पेशल एड्रेस की पावर दी गई है। ओके, तो ये चीज भी याद रखिएगा, है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। और जैसे मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले किसकी प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती है, तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती है राज्यपाल, राष्ट्रपति की केंद्र में, वैसे ही राज्य में गवर्नर की भी प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले। ओके, और हमारा जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में नॉमिनेट करता है, वैसे ही आर्टिकल 333 के अनुसार गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है। ओके, जैसे आर्टिकल 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्रों से मेंबर्स को नॉमिनेट करता है अपर हाउस में, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर भी आर्टिकल 171 के अनुसार लेजिस्लेटिव काउंसिल में राज्यपाल जो है 1/6 सदस्यों को, टोटल मेंबर्स का जो 1/6 सदस्य हैं उनको कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्रों से नॉमिनेट करता है आर्टिकल 171 तहत, तो ये भी उसके लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। और फिर
जैसे दोनों पार्लियामेंट से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, गवर्नर राष्ट्रपति के पास उसकी असेंट के लिए जाता है, उसी तरीके से जब यहां बिल पास हो जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में तो भी वो किसके पास जाता है, तो वो गवर्नर के पास जाता है। और यहां पर देखिए एक चीज समझ लीजिएगा, आर्टिकल 200, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार बिल जब स्टेट लेजिस्लेचर से राज्य विधानमंडल से पास हो जाता है तो वो गवर्नर की असेंट के लिए भेजा जाता है। तो गवर्नर की असेंट के लिए जब भेजा जाता है तो गवर्नर भी वही स्टेप उठा सकता है, उस पर अपनी असेंट दे सकता है और उसको रिकंसिडरेशन पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, अपनी सहमति को होल्ड करके रख सकता है। लेकिन एक चीज यहां पर और देख लीजिएगा कि आर्टिकल 201 के अनुसार, 201 के अनुसार कुछ बिल्स को वो प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करता है। अगर राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति भी क्या कर सकता है, कह सकता है कि बिल पे आप सहमति असेंट दे करके उसको वापस कर दीजिए, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दीजिए या विदहोल्ड करके रखिए, सहमति को रोक के रखिए। अब एक चीज यहां पर देख लीजिएगा, अगर गवर्नर राष्ट्रपति के पास बिल को भेज देता है तो राष्ट्रपति रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है, और रिकंसिडरेशन के भेजने जब रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है यानी पुनर्विचार के लिए है तो वापस आ जाता है पास करके। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के बिल्स के संबंध में राष्ट्रपति को यह पावर है, प्रेसिडेंट को यह पावर है कि वो बिल को जितनी बार चाहे उतनी बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ओके। तो ये चीज देख लीजिएगा। और यहां पर ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं क्योंकि कंपलसरी नहीं है दोनों हाउसेस, तो इसलिए यहां पर यह भी प्रावधान नहीं है। तो इस चीज को देखिएगा, बात समझ रहे हैं। और एक चीज यहां पे देख लीजिएगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है, तो यहां पे देखिएगा आर्टिकल 213, क्या है 213, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर है, वैसे ही आर्टिकल 213 में, अनुच्छेद 213 में गवर्नर को भी ऑर्डिनेंस इशू करने की शक्ति दी गई है, यानी टेम्पोरेरी लॉ यानी गवर्नर अध्यादेश को जारी कर सकता है। यहां पर अध्यादेश का जो टाइम पीरियड है वो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों 6 वीक है, यानी मिनिमम भी और मैक्सिमम भी विद इन 6 वीक उसको पास हो जाना चाहिए। तो ये कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, यानी विधायी शक्तियां हैं किसकी, गवर्नर की। अब बात करते हैं वित्तीय शक्तियों की, फाइनेंशियल पावर्स की। तो एक चीज यहां पर देख लीजिएगा बहुत ध्यान से कि जैसे मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस की जरूरत होती है, प्रायर रिकमेंडेशन की, वैसे ही यहां पर भी मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशंस की जरूरत होती है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओके। और जैसे यहां पर देख लीजिएगा कि जो मनी बिल होता है, मनी बिल के बारे में तो हमने बात कर ली, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत करता है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है आर्टिकल 202 के तहत, अनुच्छेद 202 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर प्रस्तुत करता है। कौन प्रस्तुत करता है, राज्यपाल प्रस्तुत करता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ जैसे अनुदान की किसी भी मांग को, ऐड की, ग्रांट की, नॉट ऐड की, ग्रांट की, अनुदान की किसी भी डिमांड को इंट्रोड्यूस करने से पहले वहां पर प्रेसिडेंट की असेंट की जरूरत होती है, यहां पर स्टेट में गवर्नर की असेंट की जरूरत होती है। जैसे स्टेट जैसे भारत की जो आकस्मिकता निधि है, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, वैसे ही स्टेट की कंटिंजेंसी फंड जो राज्य की आकस्मिकता निधि है उससे पैसा निकालने के लिए भी राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए उसकी वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स, ओके। अब देखिए बात करते हैं हम न्यायिक शक्तियों की। तो न्यायिक शक्तियां पे समझ लीजिए कि जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट वो जब हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो वो आर्टिकल 217, अनुच्छेद 217 के तहत परामर्श करता है, एडवाइस लेता, एडवाइस मतलब इनसे विचार विमर्श कंसिडरेशन करता है गवर्नर से। एक ये उसकी जुडिशियल पावर हो गई। दूसरी जुडिशियल पावर क्या है कि राज्यपाल जो होता है उसकी
वो जो हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस जो होता है, राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो होता है हाई कोर्ट का, वो उसकी सलाह लेता है, यानी उसकी एडवाइस लेता है, ठीक है, तो उसकी एडवाइस से काम होता है। इसी तरीके से जो अदर जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट में भी पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर की भी मतलब सहमति जरूरी होती है, तो ये उसकी जुडिशियल पावर है। और फिर जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 161 में उसको क्षमादान करने की शक्ति, मैं पहले बता चुका हूँ, क्षमादान करने की शक्ति जो है दी गई है, तो इसकी जुडिशियल पावर है। तो ये कुछ उसकी पावर हैं जो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट हैं, और इनको एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है ये, तो इसको भी एक बार ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अभी हमने बात की प्रेसिडेंट के बारे में, हमने पढ़ा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा और गवर्नर के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद, दोनों को हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे बल्कि एक साथ पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा समझ में आए बात चीज़ें, ओके। तो आइए पहले तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, दोनों लेवल पर स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, ओके। तो आइए हम बात करें स्ट्रक्चर कैसा है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद की अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तीन तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। कितने तरह के मिनिस्टर्स होते हैं? तीन तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे होते हैं स्टेट मिनिस्टर यानी राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं सब मिनिस्टर उपमंत्री। अब देखिए जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो बड़ी मिनिस्ट्रीज के हेड होते हैं, यानी प्रमुख होते हैं, या आप कह सकते हैं चेयरमैन अध्यक्ष होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, दोनों लेवल पर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। जो बड़ी मिनिस्ट्रीज होती हैं, बड़ी मिनिस्ट्रीज जैसे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री, फिनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और आपका वित्त मंत्रालय, तो ये जो बड़े मिनिस्ट्रीज हैं इनके जो हेड होते हैं, इनके जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। वैसे ही स्टेट में होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ओके, तो ये जो मिनिस्ट्रीज हैं वो भी बड़ी मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, तो उनके जो हेड होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स कहलाते हैं, ओके। अब राज्य मंत्री की अगर हम बात करें तो राज्य मंत्री देखिए दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टेट मिनिस्टर और दूसरे होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यानी इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो स्टेट मिनिस्टर राज्य मंत्री होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की सहयोग के लिए कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में कैबिनेट मिनिस्टर के सबऑर्डिनेट यानी नियुक्त किए जाते हैं, यानी उनके अधीनस्थ होते हैं। राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता के लिए, उनके सहयोग के लिए सबऑर्डिनेट होते हैं और उनके अधीनस्थ के रूप में, सबऑर्डिनेट के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, ओके। जबकि स्टेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर यानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये भी मिनिस्ट्रीज के हेड होते हैं, अपनी मिनिस्ट्रीज के, इनको भी अपनी मिनिस्ट्रीज मंत्रालय से संबंधित वही राइट्स होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर को होते हैं, बट इनको कैबिनेट मिनिस्टर रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया जाता है, यानी इनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा नहीं दिया जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा नहीं दिया जाता है, लेकिन राइट वही होते हैं जो इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर्स के, कैबिनेट मिनिस्टर्स के होते हैं। अब एक चीज यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स और इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं, कैबिनेट मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं, लेकिन जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा होते हैं। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो मेन पार्ट है, जो मुख्य अंग है, उसको हम कहते हैं कैबिनेट, कैबिनेट कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। तो जैसे न्यूक्लियस होता है, नाभिक की तरह होता है ये कैबिनेट, कैबिनेट जो होता है वो मुख्य अंग होता है, यानी इसमें कैबिनेट मिनिस्टर और इस यूनियन लेवल पर प्राइम मिनिस्टर शामिल होते हैं कैबिनेट में, जबकि स्टेट लेवल पर बात करें तो चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट के सदस्य होते हैं। तो इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं वो कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं, ये डिफरेंस है कैबिनेट मिनिस्टर और इनमें। बाकी पावर इनको अपनी मिनिस्ट्री में वही है जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को होती है। इसके अलावा बात करते हैं सब मिनिस्टर्स की, तो सब मिनिस्टर भी कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प के लिए और इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर्स की हेल्प के लिए
मिनिस्ट्रीज में अपॉइंट किए जाते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है मंत्रिपरिषद का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। अब देखिए यहां पे बात समझ लीजिएगा, समझने वाली जो बात है, देखिए यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और राज्य मंत्रिपरिषद यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रोविजन आर्टिकल 74 में है, किसमें है, आर्टिकल 74 में है। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में उनकी सहायता के लिए, एड और एडवाइज के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, मंत्रिपरिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। इसी तरीके से आर्टिकल 163 में कहा गया है कि गवर्नर के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में यानी राज्यपाल के कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में एड और एडवाइस, सहायता और सलाह देने के लिए क्या होती है, सहायता और सलाह देने के लिए होती है, मंत्रिपरिषद होगी। ओके, जिसका हेड कौन होगा, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। कौन होगा, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री उसका हेड होगा, अध्यक्ष होगा। ये बात समझ रहे हैं, तो ये इस बात को समझिएगा। तो दोनों में सेम प्रोविजन है, आर्टिकल 74 में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केंद्रीय मंत्रिपरिषद का, जबकि आर्टिकल 163 में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रोविजन है। ओके, अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 75 की। तो आर्टिकल 75 में यह प्रोविजन किया गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर एंड विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट्स मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी जो सेक्शन 1 है 75 का, वो कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स को अपॉइंट करता है, यानी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है। क्या करता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है, किसके एडवाइस से, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से। इसी तरीके से आर्टिकल 164 में कहा गया है कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की एडवाइस से वह उसकी मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स को अपॉइंट करता है। तो दोनों में सेम प्रोविजन है। ओके, डिफरेंस आर्टिकल का और नॉमेनक्लेचर का है, जहां पर यहां राष्ट्रपति है तो यहां पे गवर्नर है, यहां पे प्राइम मिनिस्टर है तो यहां पर चीफ मिनिस्टर है। ये डिफरेंस है, बाकी कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, चीज लगभग प्रोविजन सेम है। ओके, तो इस चीज को समझिएगा। अब एक चीज यहां पे देख लीजिएगा कि आर्टिकल 75 में जो 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 है, 91 संविधान संशोधन 2003, उसके द्वारा कुछ प्रोविजन जोड़े गए हैं। प्रोविजन क्या जोड़े गए हैं सेक्शन 1 में, एक प्रोविजन यह है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केंद्रीय मंत्रिपरिषद, उसमें टोटल मेंबर लोकसभा की टोटल मेंबरशिप का 15% से ज्यादा नहीं होगा। यानी जितने मेंबर लोकसभा में हैं उसके 15% से ज्यादा, यानी जितनी संख्या उन मेंबर्स की है उसके 15% से ज्यादा, 15% ज्यादा मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं होंगे। यह प्रोविजन किया गया है। और दूसरा प्रोविजन यह भी किया गया 75 के सेक्शन 1 में कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मेंबरशिप से डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, यानी संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित हो जाता है, तो वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सदस्यता के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। ओके, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आप जानते हैं कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो 6 महीने विद इन 6 मंथ के अंदर अगर वो मिनिस्टर बन सकता है, बस विद इन 6 मंथ उसको मिनिस्टर हो जाना चाहिए। तो इसलिए ये प्रोविजन किया गया है। इसी तरीके से यहां पर भी ये प्रोविजन किया गया है कि 15% से ज्यादा नहीं होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में जितनी संख्या होगी उसके 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं होंगे। लेकिन यहां पर यह है कि 12 से कम भी नहीं होंगे, यह भी कहा गया है कि 12 मंत्री से कम मंत्री नहीं होंगे, इस बात को भी समझिएगा। और इसमें भी यह प्रोविजन है कि अगर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित हो जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, तो उसकी जो मेंबरशिप है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वो भी समाप्त हो जाएगी, यानी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। यह प्रोविजन किया गया है। और फिर 75 का जो सेक्शन 2 है उसमें क्या कहा गया है, उसमें यह कहा गया है कि दे शैल होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। वैसे ही यहां कहा गया है द मिनिस्टर्स शैल होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। यानी जो मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसका मतलब
मतलब यह है कि राज्यपाल यहां पर और यहां पर राष्ट्रपति मिनिस्टर्स को हटा सकता है, ठीक है, लेकिन किसके एडवाइज पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज पे प्रेसिडेंट हटाएगा और चीफ मिनिस्टर की एडवाइज पे कौन हटाएगा? गवर्नर हटाएगा, अपने मन से नहीं हटा सकता है मिनिस्टर्स को। ओके, तो यह प्रोविजन किया गया है। फिर देखिए आर्टिकल 75 का जो सेक्शन 3 है, इसको बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, और इसमें का जो सेक्शन 3 है, इसमें क्या कहा गया है? देखिए, इसमें यह कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी, मंत्रिपरिषद, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति उत्तरदायी होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और इसी तरीके से इसमें कहा गया है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो मंत्रिपरिषद होगी वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ओके, इसका मतलब यह है कि जो लोकसभा है, केवल लोकसभा में ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। ओके, इसी तरीके से केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में ही, विधानसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन को प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए प्रावधान है कि ये जो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, और राज्य में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। ओके, बाकी मिनिस्टर्स की सैलरीज अलाउंसेस का प्रोविजन भी इसी में किया गया है, और इसमें यहां पर किया गया है, इसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है डिसाइड करेगी कितनी सैलरी अलाउंसेस होगा, और यहां पर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर जो है राज्य विधानमंडल डिसाइड करेगा कि कितनी सैलरी होगी। तो ये इस प्रोविजन किए गए हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं अगले कुछ और प्रोविजंस की। अब बात करेंगे हम आर्टिकल 77 और आर्टिकल 166 की। ओके, तो इसमें क्या दिया गया है? कंडक्ट ऑफ द बिजनेसेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और इसमें क्या दिया गया है? कंडक्ट ऑफ द बिजनेसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी इसमें भारत सरकार के कार्यों का संचालन और इसमें राज्य सरकार के कार्यों के संचालन का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 77 का जो 3 सेक्शन है, इसमें पहला जो सेक्शन है वो कहता है कि द ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट शैल बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी भारत सरकार के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। वैसे इसका सेक्शन 1 कहता है कि राज्य सरकार के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर, यानी सारे जो एग्जीक्यूटिव कार्य हैं, कार्यकारी शक्तियां हैं, उनका प्रयोग जो है उनका मतलब वो सारे कामकाज राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, ठीक है, उसके नाम से किए जाएंगे। तो ये 166 का पहला सेक्शन ये कहता है। इसी तरह आर्टिकल 77 का जो सेक्शन 2 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो है जो रूल्स रेगुलेशंस राष्ट्रपति ने बनाए हैं उन्हीं रूल रेगुलेशंस के अनुसार भारत सरकार के कार्यों का संचालन होगा, और इसमें ये कहा गया है गवर्नर्स के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार भारत सरकार के कार्यों का संचालन होगा। ओके, और तीसरा सेक्शन कहता है कि राष्ट्रपति और रूल एंड रेगुलेशन बना सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, यानी बिजनेसेस को आसानी से संचालित करने के लिए, कामकाज को सुचारू रूप से मिनिस्टर्स के बीच में एलोकेट करने के लिए और रूल एंड रेगुलेशंस बना सकता है राष्ट्रपति। इसी तरीके से सेक्शन 3 यहां पे गवर्नर भी और रूल एंड रेगुलेशंस बना सकता है, ठीक है, कि जिससे ज्यादा आसानी से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के काम हो सके। ओके, अब आइए देखते हैं जो अगले बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 78 और आर्टिकल 167। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 78 में क्या है? ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के कर्तव्य का प्रावधान है, और आर्टिकल 167 में ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का प्रावधान है। तो आर्टिकल 78 का सेक्शन 1 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल इन्फॉर्म ऑल द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की जानकारी किसको देगा?
राष्ट्रपति को देगा। वैसे यहां पर कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की जानकारी गवर्नर राज्यपाल को देगा। ओके, फिर दूसरा सेक्शन कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो इंफॉर्मेशन मांग भी सकता है प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं, यानी वो ही कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके, बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी टू द प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्र प्रधानमंत्री से वो मांग भी सकता है, ठीक है, कि भाई क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं। ऐसे ही यहां पर जो 167 का क्लॉज 2 है वो भी ये कहता है कि प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर से गवर्नर इंफॉर्मेशन मांग भी सकता है, ठीक है, तो ये भी है। तो ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संबंध में, ये आर्टिकल्स इनसे संबंधित हैं, आप कंपेरिजन कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने दोनों के आर्टिकल्स बता दिए हैं, स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे आप तो स्ट्रक्चर दोनों का लगभग जो है सेम है, लगभग क्या सेम ही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रक्चर। हाँ, एक चीज यहां पर देख लीजिएगा जरूर कि देखिए, एक होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एक होती है कैबिनेट। यानी मंत्रिपरिषद और कैबिनेट, कैबिनेट। तो देखिए भाई, एक चीज मैंने आपको बताई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, स्टेट मिनिस्टर हो, सब मिनिस्टर हो, सब इसका हिस्सा होते हैं, लेकिन कैबिनेट में केवल कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होता है, जबकि स्टेट में चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो ये सबसे मेन पार्ट होता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो हमने जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के स्ट्रक्चर के बारे में और उनसे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनकी बात की है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा चीज़ें, समझ में आ रही होंगी चीज़ें, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उत्साहवर्धन हो सके और आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहें, ओके। तो अब इसके बाद हम फिर बात करेंगे पार्लियामेंट की, संसद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर के बारे में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ाया है। अब आइए हम बात करेंगे लेजिस्लेचर यानी विधायिका की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट की। तो यूनियन लेजिस्लेचर के साथ ही थोड़ा हम कंपेरिजन करते हुए स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में भी कुछ चीज़ें समझ लेंगे, लेकिन आइए पहले बात करते हैं संसद की, पार्लियामेंट की। तो देखिए, संसद जो हमारी है वो क्या है, यूनियन लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका है। तो केंद्रीय विधायिका को हमने संसद, पार्लियामेंट नाम दिया है। वैसे जो हमारी संसद है, अगर लेजिस्लेचर की हम बात करें, तो सबसे पहले भारत में लेजिस्लेचर विधायिका की स्थापना चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत हुई थी। कब हुई थी? चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत हुई थी। और फिर 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, मॉन्टेग्यू चेंसफोर्ड रिफॉर्म, उसके तहत इसको बाइकैमरल बनाया गया था यूनियन लेजिस्लेचर को। तो उस समय यूनियन लेजिस्लेचर का जो अपर हाउस था उसको नाम दिया गया था स्टेट काउंसिल, राज्य परिषद, और लोअर हाउस को नाम दिया गया था, 1921 की मैं बात कर रहा हूं, 1921 की बात कर रहा हूं, तो लोअर हाउस को कहा गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा। बाद में जो स्टेट काउंसिल था वही राज्यसभा बना, ओके, 1954 में इसको राज्यसभा नाम दिया गया, और इसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि पॉपुलरली उसका नेम था हाउस ऑफ द पीपल, उसको नाम दिया गया लोकसभा। तो कब दिया गया? 1954 में, 1954 में इसको लोकसभा नाम दिया गया और इसको राज्यसभा नाम दिया गया, ओके। 1952 में पहली बार राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे। तो देखिए, आर्टिकल 79 में हमारी संसद, पार्लियामेंट के गठन का प्रोविजन, प्रावधान किया गया है। अब आइए देखते हैं, हमारी संसद है, उसके दो हाउसेस, अपर हाउस है राज्यसभा, लोअर हाउस है लोकसभा, या इसको कहते हैं उच्च सदन एवं दूसरा सदन, या हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स आर सेकेंड हाउस, और इसको कहते हैं लोअर हाउस आर फर्स्ट हाउस। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेकेंड हाउस, जबकि इसके मेंबर्स, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली
जो है इलेक्ट होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट हाउस। ओके, तो देखिए आर्टिकल 80 में राज्यसभा के स्ट्रक्चर, राज्यसभा की संरचना के बारे में दिया गया है, और आर्टिकल 81 में लोकसभा के स्ट्रक्चर, लोकसभा की संरचना के बारे में दिया गया है। अब आइए देख लेते हैं संरचना क्या है। राज्यसभा की अगर संरचना स्ट्रक्चर की बात करें तो मैक्सिमम अधिकतम सदस्य राज्यसभा में कितने हैं, 250 हो सकते हैं, जिसमें से 238 स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरी यानी केंद्र और राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को मिलाकर 238 अधिकतम सीटें हो सकती हैं, जबकि 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड नामांकित सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा सहकारिता यानी आर्ट साइंस लिटरेचर सोशल सर्विस, इन सब क्षेत्रों से जो है 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये तो अधिकतम की बात हो गई। अब आइए बात करते हैं वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति में 245 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 205 सीट्स हैं। 245 सीटों में से 233 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से हैं। कितनी, इसमें से जो 229 हैं वो स्टेट से हैं और 4 यूनियन टेरिटरी से हैं। हां, एक चीज यहां पर देख लीजिएगा कि जो 12 हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। कितने हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं 12, जो कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा सोशल सर्विस इन सब क्षेत्रों से अपॉइंट किए नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो 12 सदस्य हैं, यानी टोटल कुल मिलाकर के इस समय जो संख्या है वो कितनी है, 245 है वर्तमान में। ओके, अब आइए बात करते हैं लोकसभा की संरचना की। तो आइए देखते हैं लोकसभा की संरचना कैसी है। लोकसभा में अधिकतम मैक्सिमम मेंबर है 552, जिसमें से 530 स्टेट्स यानी राज्यों से हैं और 20 जो है अधिकतम यूनियन टेरिटरी से हो सकती हैं। दो एंग्लो इंडियंस अंडर आर्टिकल 331, दो एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो है रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट पर्याप्त ना हो तब, ये तो हो गया अधिकतम की बात। अब आइए बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। तो वर्तमान में 545 सीट्स हैं, जिसमें से 530 स्टेट्स राज्यों से हैं और 13 जो है यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, जबकि दो एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट किए जाते हैं। ओके, अब ये तो हमने बात कर ली संरचना की। अब आइए बात करते हैं संसद के दोनों सदनों का कार्यकाल, ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेज ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों का कार्यकाल क्या है, तो देखिए आर्टिकल 83 में संसद के दोनों सदनों का कार्यकाल दिया गया है। तो एक चीज यहां पे समझ लीजिएगा, राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, यानी लगातार चलता रहता है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, जबकि लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स होता है, जनरली 5 ईयर्स होता है, जरूरी नहीं कि 5 ईयर हो, लेकिन जनरली सामान्य तौर पर 5 ईयर ही होता है संसद के अगर कार्यकाल की हम बात करते हैं। एक चीज यहां पे देख लीजिएगा, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर जो है 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, जबकि इनका कार्यकाल 6 ईयर्स होता है। राज्यसभा के मेंबर्स का कितना कार्यकाल होता है, 6 साल इनका कार्यकाल होता है। ओके, जबकि लोकसभा के अगर हम बात करें तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 ईयर होता है और यह जनरली 5 ईयर चलता है, 5 ईयर के बाद यह डिसॉल्व हो जाता है। ओके, तो ये हमने बात कर ली ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब हम बात करेंगे कि संसद की सदस्यता के लिए योग्यता क्या है, आर्टिकल 84 में दी गई है। किसमें दी गई है, आर्टिकल 84 में। तो आइए पहले हम राज्यसभा की बात कर लेते हैं कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए क्या योग्यता है। पहली चीज, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज, ही शुड हैव अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल उसकी आयु होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। और साथ ही साथ वह किसी लाभ के पद पर ना हो, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो यह भी उसकी योग्यता है। ओके, तो ये उसकी योग्यताएं हैं। इसके अलावा कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है जो सेम है लगभग दोनों के लिए। डिस्क्वालिफिकेशन की मानसिक रूप से दिवालिया ना हो, मतलब अनसाउंड माइंड ना हो, दिवालिया ना हो, इंसॉल्वेंट ना हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और सती प्रथा के मामले में, दहेज के मामले में, छुआछूत के मामले में, यानी इन सब मामलों में दोषी न ठहराया गया, और दोनों के लिए सेम है। इनकी अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के सदस्यों की जो योग्यता है वो मिनिमम एज जो है 25 ईयर्स है और इनका टेन्योर जो होता है वो 5 ईयर्स होता है। ओके, साथ ही साथ जो है लोकसभा जो है वो डिसॉल्व भी होती है, तो ये सबको पता है। तो ये तो हो गई योग्यता की बात।
ओके, और डिस्क्वालिफिकेशन लगभग सेम है, रिप्रेजेंटेशन पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जो है कई डिस्क्वालिफिकेशंस निर्धारित की गई हैं। अब एक चीज यहां पे समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से कि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक जो कैंडिडेट होता है, किसी भी कैंडिडेट को चुनाव जीतने के लिए जितने वोट पड़ते हैं उसका 50% प्लस वन से ज्यादा प्राप्त करना पड़ता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली के तहत होता है, इसमें सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलता है वो जीत जाता है। लोकसभा का जो सदस्य होता है वो भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करता है और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, जबकि राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ओके, अब आइए बात करते हैं इनके जो पीठासीन अधिकारी हैं, संसद के पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए लोकसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी होते हैं उनको कहते हैं अध्यक्ष स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर, जबकि अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में क्या होता है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, सभापति और उपसभापति होते हैं। अब देखिए यहां पर आर्टिकल 93 में कहा गया है कि आफ्टर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा होगी, नव निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक के पश्चात लोकसभा के सदस्यों में से ही, 93 में कहा गया है, लोकसभा के सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में इलेक्ट किया जाएगा। स्पीकर की जो इलेक्शन की डेट होगी वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, जबकि डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष के इलेक्शन की डेट जो है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, वो स्पीकर के द्वारा निर्धारित की जाती है। अब 94 में क्या दिया गया, 94 में वैकेशन ऑफ सीट्स ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, यानी किन कंडीशन में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की का पद खाली हो सकता है, तो एक तो टेन्योर कंप्लीट होने पर, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर, या फिर रिजाइन करने पर भी उनका पद खाली हो जाएगा, डेथ होने पर उनका पद खाली हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, और साथ ही साथ उनका रिमूवल भी हो सकता है। लोकसभा के टोटल मेंबर्स के मैंडेट बहुमत से पारित रेजोल्यूशन प्रस्ताव के आधार पर इनको हटाया भी जा सकता है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 95 की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 95 में क्या दिया गया, आर्टिकल 95 में उपाध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति यानी पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर एंड अदर पर्सन टू एक्ट एज स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, यानी जब अध्यक्ष जो है का पद खाली हो, जब अध्यक्ष का पद खाली हो या अध्यक्ष अनुपस्थित हो प्रोसीडिंग से, तब आर्टिकल 95 में प्रावधान किया गया है कि अगर अध्यक्ष नहीं है, स्पीकर नहीं है, तो डिप्टी स्पीकर एज ए स्पीकर काम करेगा, और अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो देखिए लोकसभा में स्पीकर का पैनल होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है, यानी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि उसमें कितने सदस्य होंगे, तो स्पीकर का जो पैनल होता है उसमें से कोई एक मेंबर चेयरपर्सन पीठासीन अधिकारी होता है, आर्टिकल 95 में प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 96 क्या कहता है, आर्टिकल 96 में यह कहा गया है कि जब कभी भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को उनके पद से, उनके पोस्ट से हटाए जाने का, रिमूवल का प्रस्ताव, रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन, विचाराधीन हो सदन के अंदर, तो उस समय स्पीकर या डिप्टी स्पीकर दोनों चेयरपर्सन पीठासीन अधिकारी के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। ओके, उस समय वो ऑर्डिनरी मेंबर, साधारण सदस्य के रूप में हाउस के अंदर उपस्थित हो सकते हैं और मतदान कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन कास्टिंग वोट निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अध्यक्ष जो चेयरपर्सन होता है वही निर्णायक मत देता है, वो जनरली तो स्पीकर को कास्टिंग वोट देने का अधिकार है निर्णायक मत, जब दोनों तरफ से मत बराबर हो जाए तो ये उसको अधिकार है। ओके, तो ये आर्टिकल संबंधित है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से। अब देखिए यहां पर बहुत अच्छे समझ लीजिए कि सेम प्रोविजन जो आर्टिकल 93 में जो प्रोविजन स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए है, सेम प्रोविजन आर्टिकल 89 में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए है, सभापति और उपसभापति के लिए है। जो प्रोविजन आर्टिकल 94 में है
स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए सेम वही प्रोविजन आर्टिकल 90 में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए, कोई प्रोविजन में डिफरेंस नहीं है। इसी तरीके से 95 जो है उसमें जो प्रोविजन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए किया गया है वही सेम प्रावधान 91 में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए किया गया है। साथ ही साथ जो प्रोविजन देख लीजिएगा यहां पर आर्टिकल 96 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के संबंध में है वही प्रावधान वही प्रोविजन 92 में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के संबंध में है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, केवल आप इन चार आर्टिकल्स को समझ लीजिए। सेम सीक्वेंस में जो प्रोविजंस हैं वही सीक्वेंस में सेम प्रोविजन सभापति और उपसभापति के संबंध में किए गए हैं। पर डिफरेंस क्या है, देखिए यहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का मेंबर होता है, दोनों लोकसभा के मेंबर होते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो सभापति होता है राज्यसभा का चेयरमैन वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है, ओके? और उपसभापति जो होता है वो मेंबर होता है उस हाउस का, ठीक है? तो इस तरीके से इसको समझ लीजिए, ये भी कास्टिंग वोट देता है जनरली। और जो उपराष्ट्रपति यानी चेयरमैन होता है उसको भी राज्यसभा के टोटल मेंबर्स के प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। तो सेम प्रोविजन है इन आर्टिकल्स में सभापति और उपसभापति के लिए, जो सेम प्रोविजन लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए इन आर्टिकल्स में दिए गए हैं। तो दोस्तों हमने संसद के बारे में कुछ चीजें समझी, अब आइए हम जरा संसद का स्टेट लेजिस्लेचर के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है? तो एक चीज यहां पर देख लीजिएगा, जैसे यूनियन लेजिस्लेचर केंद्रीय विधायिका को संसद कहा जाता है तो वैसे ही राज्यों में स्टेट लेजिस्लेचर होता है। क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर होता है। तो एक चीज यहां पर समझ लीजिएगा कि आर्टिकल 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। किसके गठन का प्रावधान है? संसद के गठन का प्रावधान है। तो वही आर्टिकल 168 में, किसमें? 168 में राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर के गठन का प्रावधान है। किसके गठन का प्रावधान है? स्टेट लेजिस्लेचर के गठन का प्रावधान है। अब एक चीज यहां पर देख लीजिए, जैसे यहां पर अपर हाउस है यूनियन लेजिस्लेचर में राज्यसभा उच्च सदन और दूसरा सदन है, वैसे ही राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो उच्च सदन है, ओके? जैसे यहां पर लोकसभा निम्न सदन है, क्या है? निम्न सदन या पहला सदन है यानी लोअर हाउस और फर्स्ट सदन है, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में जो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो क्या होती है? निम्न सदन होती है। अब एक चीज यहां पर बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि यूनियन लेजिस्लेचर में पहले अपर हाउस के बारे में प्रावधान है। किसके बारे में है? अपर हाउस के बारे में प्रावधान है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में पहले लोअर हाउस के बारे में प्रावधान है, ठीक है? जैसे इस तरह आप समझ लीजिए कि आर्टिकल 170 में विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली और आर्टिकल 171 में लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो इस बात को आप अच्छा समझ लीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह प्रोविजन किया गया। सेम लगभग प्रोविजंस जो लोअर हाउस के संबंध में यूनियन लेजिस्लेचर में है वैसे ही लगभग लगभग सेम प्रोविजन जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के लोअर हाउस विधानसभा के संबंध में लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका भी टेन्योर 5 ईयर्स होता है, लोकसभा के मेंबर्स का टेन्योर भी 5 ईयर होता है, विधानसभा का जो टेन्योर होता है मतलब सदस्य बनने के लिए 25 मिनिमम एज होनी चाहिए, वैसे ही लोकसभा में भी संसद सदस्य लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 एज होनी चाहिए, लगभग सेम प्रोविजंस हैं। हाँ ये जरूर है कि यहाँ पे सीटें फिक्स हैं, हर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, डिफरेंट है, बस मैक्सिमम 500 सीटें होनी चाहिए, मैक्सिमम 500 सीटें और मिनिमम 60 सीटें हो सकती हैं, ठीक है? लेकिन कुछ स्टेट्स इसके अपवाद भी हैं, जैसे सिक्किम में केवल 32 सीट्स हैं सिक्किम विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में, गोवा में 40 हैं, मणिपुर में 40 हैं। तो इस तरीके से कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है? लेकिन कुल मिलाकर के 500 से कम नहीं होनी चाहिए और 60 से
500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम, और 60 से कम नहीं होनी चाहिए विधानसभा की सीटें। अब इसी तरीके से स्टेट में जो अपर हाउस है विधान परिषद, तो देखिए विधान परिषद कंपलसरी नहीं है, जो अपर हाउस है लेजिस्लेटिव काउंसिल वो कंपलसरी नहीं है, वो वॉलंटरली है, यानी विधानसभा के ऊपर जो लोअर हाउस है उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। देखिए क्या है आर्टिकल 169 में क्या प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 169 में ये प्रोविजन किया गया है कि विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली अपने दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से, 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव पास करके राज्य में अपर हाउस यानी स्टेट लेजिस्लेचर का जो अपर हाउस है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके विधान परिषद के गठन का प्रावधान कर सकता है। ओके, तो इस तरीके से सभी राज्यों में नहीं है, केवल 7 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर क्या है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी राज्य विधान परिषद है, केवल 7 राज्य ऐसे हैं। 7 राज्य कौन कौन से हैं, जैसे आपका एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है, बिहार है आपका तो बिहार में भी है, इसके अलावा कर्नाटक है तो कर्नाटक में भी है, जम्मू कश्मीर में अब चूंकि जो है चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, वैसे वहाँ पर अभी 370 के अमेंडमेंट से पहले अपर हाउस था, ओके तो वहाँ पर भी है, महाराष्ट्र में अपर हाउस है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, ठीक है कर्नाटक में, तो इन सब जगहों पे है लेजिस्लेटिव काउंसिल, बाकी अन्य राज्यों में केवल केवल और केवल लोअर हाउस है। तो ये चीज़ें हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा आर्टिकल्स का डिफरेंस है, इसको आप समझ लीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। ओके, केवल आर्टिकल्स का डिफरेंस है। आइए अब बात करते हैं जैसे राज्यसभा, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन क्या होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। वैसे ही आप यहां पे विधान परिषद समझ लीजिए, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी सभापति और उपसभापति होते हैं, यानी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। बस यहाँ राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होता है, लेकिन विधान परिषद का जो चेयरमैन होता है वो विधान परिषद का लेजिस्लेटिव काउंसिल का ही मेंबर होता है। ओके, प्रोविजन लगभग लगभग सेम होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो देखिए आर्टिकल 182, 183, 184 और 185, देखिए सेम प्रोविजंस हैं। जो 89 में प्रोविजन है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के संबंध में, कहाँ पे, राज्यसभा में, वही प्रावधान आर्टिकल 182 में विधान परिषद के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के संबंध में है। जो प्रावधान इसमें आर्टिकल 90 में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए है राज्यसभा में, वही प्रावधान लेजिस्लेटिव काउंसिल में आर्टिकल 183 में सभापति और उपसभापति, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए है। जो प्रोविजन आर्टिकल 91 में राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए है, वही प्रोविजन आर्टिकल 184 में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए, जो प्रोविजन आर्टिकल 92 में राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए है, वही प्रोविजन आर्टिकल 185 में किसके लिए है, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के संबंध में है। ठीक उसी तरीके से यहां पे समझ लीजिएगा कि लोकसभा में जैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। अब एक चीज यहां पे देख लीजिएगा, आर्टिकल 93 में जो प्रोविजन है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए, वही प्रोविजन आर्टिकल 178 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए है। जो प्रोविजन आर्टिकल 94 में लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए है, वही प्रोविजन आर्टिकल 179 में लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए है। जो प्रोविजन आर्टिकल 95 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए है, वही प्रोविजन जो है आर्टिकल 181 में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के संबंध में है। तो आर्टिकल्स का थोड़ा डिफरेंस है, इसको आप समझ लीजिएगा, बाकी बहुत सारी चीज़ें सेम हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन लेजिस्लेचर की एक दूसरे से मिलती हैं। तो दोस्तों आइए अब हम पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। दोनों हाउसेस के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, उनकी पावर्स में, जरा उनको समझ लेते हैं। तो देखिए जो राज्यसभा है,
अपर हाउस यानी अपर हाउस जो है पार्लियामेंट का, उसको कुछ स्पेशल राइट दिए गए, जैसे आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 राज्यसभा को ये पावर देता है कि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों के, दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव रेजोल्यूशन पास करके क्या कर सकता है, स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट को राष्ट्रीय महत्व का, नेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित कर सकता है, जिसके बाद संसद पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के उस सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है। वो लेकिन वो कानून या वो लॉ जो होगा वो एक साल तक के लिए ही एप्लीकेबल होगा। आफ्टर वन ईयर, एक साल के बाद उसको लागू रखने के लिए राज्यसभा से फिर 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव को पास करना होगा। इसी तरीके से देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार, यानी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, उनको नई ऑल इंडिया सर्विसेज गठित करने का अधिकार राज्यसभा को दिया गया है आर्टिकल 312 में। अंडर आर्टिकल 312, 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव पास करके, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। ये अधिकार राज्यसभा को दिया गया है। किसको दिया गया है? राज्यसभा को दिया गया है। अब कुछ राइट्स केवल लोकसभा को हैं, जैसे जो आर्टिकल 110 है उसके अनुसार मनी बिल जो है वो केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और मनी, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इसको प्रमाणित करने का, सर्टिफाइड करने का राइट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, किसको है? लोकसभा के स्पीकर को इसका अधिकार है। इसके अलावा वित्त विधेयक आर्टिकल 112 यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वो लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में उस पर मतदान नहीं होता, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है लेकिन पास वो लोकसभा में ही होता है। और फिर अनुदान की मांग को, जो डिमांड ऑफ ग्रांट है, किसी भी प्रकार के डिमांड की ग्रांट जो है वो भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस की जाती है, राज्यसभा से उसका कोई मतलब नहीं है। और लोकसभा में सीटों के आरक्षण का भी प्रावधान है, जबकि राज्यसभा में सीटों के रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। तो एक चीज यहां पर देख लीजिएगा कि आर्टिकल 330 संविधान के अनुच्छेद 330 में एससी और एसटीज, किसके लिए? एससीज और एसटीज के लिए सीट्स के रिजर्वेशन का प्रावधान है। तो आइए देखते हैं कि सीट्स के रिजर्वेशन का प्रावधान है तो देख लीजिए, इस समय अगर हम बात करें तो 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए यानी रिजर्व हैं, जबकि 47 सीट जो है लोकसभा में वो एसटी शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए रिजर्व हैं। ठीक इसी तरीके से आर्टिकल 332 में स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट लेजिस्लेचर में सीट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है एससी जस्टिस के लिए। तो हर राज्य में विधानसभा में जो सीटें होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो भी रिजर्व होती हैं, तो रिजर्वेशन का इसमें प्रावधान किया गया है। अब एक चीज यहां पर देख लीजिएगा, कुछ चीजें देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 82 है, तो दोस्तों देखिए आर्टिकल 82 जो है उसमें पार्लियामेंट को, संसद को, आफ्टर ईच सेंसस, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों के रीएडजस्टमेंट, पुनर्निर्धारण की शक्ति दी गई है, तो रीएडजस्टमेंट किया जाएगा ये प्रावधान किया गया है, जिसके तहत परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन गठित किए जाते हैं। तो अब तक कुल 4 डिलिमिटेशन कमीशन गठित किए जा चुके हैं, यानी डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 4 अब तक पास किए गए हैं। पहला जो पास किया गया था वो 1952 में पास किया गया था, दूसरा पास किया गया 1962 में, और तीसरा पास किया गया 1972 में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा 2002 तक रीएडजस्टमेंट, परिसीमन पर रोक लगा दी गई थी। ओके, उसके बाद फिर 84th अमेंडमेंट एक्ट, 84वां संविधान संशोधन, 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा, फिर 4th डिलिमिटेशन कमीशन, चौथा परिसीमन आयोग 2002 में गठित किया गया था।
ओके अब 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 बहुत इंपॉर्टेंट है, 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा निर्धारित किया गया है कि 2026 तक जो लोकसभा और विधानसभाएं हैं उनकी जो सीट्स हैं वो बढ़ेंगी नहीं, यानी उनमें इंक्रीमेंट नहीं होगा, 2026 तक जो है सीटें उतनी हैं जितनी हैं उतनी ही रहेंगी, 2026 के बाद ही सीटें बढ़ेंगी, तो ये प्रोविजन भी किया गया है। अब एक चीज यहां पर देख लीजिएगा, कुछ चीजें और संसद के संबंध में, देखिए जो संसद के सदस्य होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, अगर उनकी हम बात करें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो उनको डिसक्वालीफाइड करने की शक्ति जो है, देखिए अगर एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून के तहत अयोग्यता की बात आती है तो दल बदल कानून के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्यता का निर्धारण प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी लोकसभा में स्पीकर करता है और राज्यसभा में चेयरमैन करता है। लेकिन अगर अदर रीजन से डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो उसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है विद द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन की एडवाइस से। और एक चीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट जो विवाद होते हैं चुनाव से संबंधित विवाद, उनका निर्धारण हाई कोर्ट कौन करता है, संबंधित राज्य का हाई कोर्ट उच्च न्यायालय करता है। हां, हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, तो यह भी है। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझने वाली चीजें हैं संसद के बारे में, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। पार्लियामेंट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैसे मैं आपको अभी केवल ये रिवीजन मॉड्यूल है इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बाकी मैं आपके लिए सेपरेट जो है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सारे चैप्टर्स को सेपरेटली मतलब लेकर आऊंगा जिसमें मैं डिटेल में एक एक चीज का डिस्कशन करूंगा। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें मैंने केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही पॉइंट बताए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं, और एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप एक बार इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हल होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं, तो इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन यह है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और उनको ध्यान से समझने का प्रयास करें, और साथ साथ जो है अपने दोस्तों के बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो एग्जाम से पहले, ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा वीडियो आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पार्लियामेंट तक पढ़ाया है और साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर का मैंने कंपैरिजन भी किया है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा एक बार और सुनिएगा, उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो बना लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। और एग्जाम देने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको जरूर देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है पॉलिटी के वो सॉल्व होंगे, क्वेश्चन आपका कोई भी गलत नहीं होगा, तो इसलिए एक बार एग्जाम में जाने से पहले वीडियोस को जरूर देखें। अब मैं यहीं तक वीडियो को समाप्त करता हूं, आगे मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो जल्दी ही लेकर आऊंगा, तो मैं आगे की चीजें जो इसमें रह गई हैं रिवीजन मॉड्यूल में वो मैं पढ़ाऊंगा। ओके, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं अपने नए व्यूअर्स से और जो पुराने व्यूअर्स हैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि जिन्होंने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके आपके एग्जाम्स में और एग्जाम उनके बहुत अच्छे हों। तो इसलिए जो है आप हम लोगों का सहयोग करें, हेल्प करें ताकि हम आपका हेल्प कर सकें, आप लोगों की हेल्प कर सकें, आपका सहयोग कर सकें और अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लेकर आ सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।